आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई टोल लिया? अगर लिया तो किस तरीके से? मेंटल हेल्थ पे इस तरह से है कि अच्छा तो नहीं लग रहा वापस आके। वो मतलब आप एक तो उल्टा बोल रही आई हैं। स्वेयर मुझे नहीं अच्छा लग रहा। वो एक दुनिया हाँ थी, उसका अलग ही एक चार्म था, अलग ही मूड तो था। बट आप कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेस, कोई क्वेश्चन आपके, मतलब जब आप थी तो हाँ आप कंप्लीटली ओके थी, कुछ आपके साथ ऐसा नहीं हुआ उधर या ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से आपको लगे कि यार मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई, यू नो? मेंटल हेल्थ, हाँ कुछ कुछ चीज़ें बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने बोली तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन मेरे अंदर एक आदत है कि मैं बाउंस बैक बहुत जल्दी कर जाती हूँ। वेन एवर आई एम हार्ट ब्रोकन या वेन एवर आई एम सैड या कुछ ज़िंदगी में कोई ऐसे चीज़ें जब होती हैं मेरे साथ, अप एंड डाउन हो कुछ होता है लाइफ में, तो मेरी एक स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत जल्दी बाउंस बैक कर जाती हूँ, कि मैंने ओवर द टाइम सीखा है। और जो लोग निकल नहीं पाते किसी बुरे इंसिडेंट से, मेरे हाल है उनको उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। मुश्किल होता है किसी चीज़ से निकलना, लेकिन वंस जब आपकी एक ग्रिप बन जाती है तो फिर तो आप कमाल कर जाते हैं। तो मैं जल्दी बाउंस बैक कर जाती हूँ। तो मेरे साथ हुए थे, मुझे शुरू शुरू में लोगों ने बोलने नहीं दिया, बात नहीं करने दी, कोई अच्छी बात कर रही हूँ तब भी चुप करा दिया गया, कोई बुरी बात तो खैर मैंने की, कोई बेतुकी बात भी की उस पर भी चुप करा दिया गया। तो मुझे हाँ बुरा लगता था, लेकिन मैं उससे बाहर भी फ़ौरन निकल आती थी। और जब आपको शुरू में बहुत दफ़ा कंटेस्टेंट्स, क्या आपको ऐसा लगता था कि वो आपको जज करें, आपकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करें, उन्हें लगता है आप रैंडमली कुछ भी बोल देती हैं, तो उस वक्त क्या थॉट्स आती थी और क्या टोल, और व्हाट, हाउ वुड इट अफेक्ट योर थॉट प्रोसेस? हाँ मुझे कहीं कहीं लगा कि मैं कुछ कह रही हूँ अच्छी बात तो मुझे चुप करा रहे हैं। मुझे ऑफ कोर्स बुरा तो लगता था, लेकिन दो तीन दफ़ा मैंने मैंने बर्दाश्त किया। आई थिंक मैंने थ्रू आउट द सीज़न बर्दाश्त किया है, पता नहीं क्यों, कि वो रियल लाइफ में जो मैंने बर्दाश्त करना सीखा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है वो रियल लाइफ से सीखी हैं, कि जी कॉन्फ्लिक्ट होता है कहीं तो मैं फ़ौरन वहाँ से उठ जाती हूँ, मुझे कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं बनना। हाँ अगर मेरे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मैं उसको तरीके से जवाब देके और वैसे मैं अवॉइड करती हूँ। जैसे घर में अगर कोई मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है घर में, तो लिटरली आई विल वॉक आउट ऑफ द हाउस। आप कन्फ्रंट नहीं मैं करती? कन्फ्रंट नहीं करती लड़ाई झगड़े को, मैं उठ के चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर मेरी अम्मी से भी हो जाती है तो मैं उनको कहती हूँ आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, आई एम नॉट सॉरी, मुझे आर्गूमेंट नहीं करने, मेरी एनर्जी ख़राब हो रही है, मैं अंदर से बुरा फील कर रही हूँ, इसको छोड़ दें आर्गूमेंट को, कोई और बात करें, पॉजिटिव बात करें जिससे मुझे फ़ायदा हो। तो हाँ मुझे फीलर आया कि मैं इंटेलिजेंट बात भी करती थी तो वो चुप करा देते थे, देवर काइंड ऑफ ट्राइंग टू शो के शी इज़ स्टूपिड, क्या ऐसा कुछ पता नहीं है, यू नो वो एक इम्प्रेशन ऐसे डालने की कोशिश कर रहे तो थे। आपको फील नहीं होता या मुझे घेराव हो रहा है? हाँ और मुझे बिकॉज घुटन इतने फील होती लोगों में थी, अपने अपना आप स्टैंड कराना या अपने आप मुश्किल को होता है। बहुत मुश्किल होता है, मैं तो सोच के मुझे घबराहट हो रही है, यू नो? हाँ मुझे बहुत घुटन होती थी, और एट टाइम्स मैं सबको कहती थी कि देखें अगर जब तक आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, किसी लेडी कोलीग को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो वो किस तरह, उसको कौन सुनेगा, फ्लरिश कैसे वो करेगी? फ्लारिश कैसे करेगी, उसकी ग्रोथ कैसे होगी सोसाइटी के अंदर। तो मेरा थ्रू आउट द तमाशा मैंने इसी बात पे स्ट्रेस किया है कि प्लीज़ सपोर्ट योर फीमेल कॉलीग्स, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हमें इस माशरे में एक आदमी की ज़रूरत है सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो आपका बाप हो, शौहर हो, भाई हो। और इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, नहीं, वी बिल्कुल ऑल सीक सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर इनफैक्ट हमने वुमेन कैन ऑल्सो सपोर्ट वुमेन, एग्जैक्टली दैट्स द वेमेन दिस द वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग चीज़ है, यू नो? एग्जैक्टली, और मैं तो उसकी बहुत बड़ी लाइक सपोर्टर हूँ, मैंने तो हाँ। बहुत बात की इस बारे में तमाशा में। एंड जब आपको ये बार बार ये कॉन्वर्सेशन या ताना दिया जाता था, ये लाइन बोली जाती थी इसकी तो शादी नहीं हुई, ये इसलिए इस तरह कर रही है, अक्सर ये बोला गया, उस वक्त आपको लगता था कि यार एक सोसाइटी जिसमें शादी ऑलरेडी इतना बड़ा इशू है उसमें एक औरत को इस तरह बोल रहे हैं, एंड फिर किसी भी कंटेस्टेंट ने सपोर्ट करने की या इस चीज़ को रोकने हाँ की कोशिश नहीं की, आपको सपोर्ट करने की या आपके लिए खड़े होने की कोशिश नहीं की, वो भी आपको अफेक्ट किया या यू वर नॉट बॉदर्ड? ऑफ कोर्स ये तो मुझे बुरा लगा था, और जिनको जिनको नहीं पता मैं उनको ये बता दूँ, भाई मुझे रिश्ते बहुत हैं, मैं खुद नहीं कर रही छोटा मुंह बड़ी बात, मैं खुद नहीं कर रही उनको पता ही नहीं ना मैं हाँ क्या नेशनल टेलीविजन में बैठ के बोलूँ कि भाई ऑफ कितनी लाइन कोर्स में लगे हैं, मुझे ये शौक नहीं है अपनी बड़ाइयाँ करने का लेकिन मैं खुद नहीं कर रही, वो उसकी उसकी वजूहात हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि जेंडर कार्ड खेलती है, तो मुझे राबिया एक बात बताएं, क्या हमारी सोसाइटी में औरतों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होता?
किसी लड़के के अफेयर हो तो उसको बोलते हैं माचो मैन है, बड़ा स्टड है. किसी लड़की, कोई लड़की किसी लड़के को पसंद कर ले तो उसको कहते हैं वाह बड़े अफेयर चला रही है. किसी लड़की की प्रमोशन हो जाती है तो उसको कहते हैं कि ये तो खूबसूरती की वजह से आगे बढ़ी है. किसी लड़के की प्रमोशन हो रही है, ओ ये तो मेरिट पे आगे बढ़ा है. तो ये क्या, ये जो एक इम्बैलेंस है ये तो सोसाइटी ने खुद क्रिएट किया हुआ है. तो मैं इसी चीज़ों पर तो बात कर रही थी वहाँ पे कि भाई इन चीज़ों को मैंने इतना ऑब्वियस बात नहीं की, लेकिन मैंने दबे दबे अल्फाजों में ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि भाई एक लड़की फीमेल कंटेस्टेंट है, उसका मेरिट सिर्फ उसके कपड़े या गुड लुक्स नहीं है, हो सकता है उसके अंदर कोई और खसूसियत हो, कोई उसका मेरिट हो सकता है, उसकी एजुकेशन हो सकती है, इंटेलिजेंस हो सकती है, कोई खासियत हो सकती है. तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करें ताकि वो लाइफ में ग्रोथ करे. दैट वॉज माई मैसेज थ्रू आउट द शो. जो किसी ने इस बात को समझा ही नहीं, सब ने बोला ओ ये तो जेंडर कार्ड खेल रही है, तो फलां खेल रही है. और इसमें कोई मज़ाक़े वाली बात नहीं है कि हाँ विमेन की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम होती है आदमियों से. इसमें मैं इस पे बात पे बिलीव करती हूँ. कुछ गेम्स भी हम ऐसे खेल रहे थे जिसमें अरसलान और अयाज जो एंड तक खड़े रहे, वो जिसमें बार पकड़ना था, उसमें मुझे लगता था कि वो गेम मेरे लिए नहीं है, और मैंने बोला नहीं. आपको लगता था क्योंकि आप औरत हैं तो आपको डिसएडवांटेज है. अच्छा, हो सकता है कि किसी और खातून के लिए वो गेम जो है वो सही होता, वो खेल सकती थी. लेकिन आप खुद सोचें, अरसलान इज़ अ कम्पेटिटिव गाय, उसकी स्ट्रेंथ बहुत है. अगर उस गेम में मैं अरसलान को बीट करने के लिए खड़ी रहती ईगो में, तो आपको पता है मेरे बैक के इश्यूज़ हो सकते थे, मेरे शोल्डर में कोई इंजरी आ सकती थी, और मैं एलिमिनेट हो सकती थी बीमारी की वजह से. क्योंकि अब्दुल्ला भाई शुरू में एलिमिनेट इसी वजह से हो गए कि वो ये और शहरयार, कुछ पता नहीं शहरयार ने कहा वो ऊपर से उतारें कुछ करें, तो वो उछले और उनकी बैक में चुप पड़ गई. तो मुझे ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना था कि मैं बीच गेम में एलिमिनेट हो जाती एक स्टूपिड हरकत की वजह से, कि मैंने उनको दिखाना है, अयाज और सलान को दिखाना है कि मैं खड़ी रह सकती हूँ. भाई जितनी मेरी बर्दाश्त है मैं उतना तो खड़ी रह सकती हूँ. मैं आपको दिखाने के लिए खड़ी नहीं रहूँगी. बहुत सारे कंटेस्टेंट वहाँ पे मुझे दिखाने के लिए भी खड़े हुए थे. आई एम नॉट टेकिंग एनीवनस ब्लेम, बट जैसे ही मैं उतरी वो फ़ौरन उतर गए एक मिनट बाद. तो मुझे किसी को प्रूव नहीं करना, मुझे अपने आप को प्रूव करना था वहाँ पे, जो मैंने किया. और वो बहुत अच्छा खेले सलान, बहुत अच्छा खेला अकील, सॉरी अयाज बहुत अच्छा खेला. फिर सलान ने मुझे अंदर आके बोला ये क्या बात करती, औरतों के लिए नहीं था मर्दों के लिए था. मैंने कहा भाई मेरी स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ में फ़र्क है ज़मीन आसमान का, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है. और ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरा ख्याल है. आप डिसएग्री कर सकते हैं. मैं हाँ, और मैं अभी भी इस बात को करूँगी कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ उस वक्त कम थी, मैं उतर गई. शादी वाली बात पे मैं ये कहूँगी कि भाई हाँ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं खुद अपना टाइम ले रही हूँ. बिकॉज जब तक मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि ही इज़ द वन, आई एम नॉट गोइंग टू ऑप्ट फॉर हिम. As simple as that. और हाँ, उस वक्त मेरे ख्याल से अयाज की वजारत थी जब साइमा ने मुझे ऐसा कुछ बोला और किसी ने उस बात को कन्फ्रंट नहीं किया. तो मुझे लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आती कि बींग अ वुमेन, हम 21वीं सदी में खड़े हुए हैं, 2024 है, ख़वातीन पे ऐसे रिमार्क्स क्यों पास किए जाते हैं, और कोई इन चीज़ इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाता, क्यों कि स्टीरियोटाइप क्यों है. जो जिन मर्दों की शादी नहीं होती उनको भी तो कहें कि जिनकी शादी नहीं हुई भी, उनको आप अप्रिशिएट करते हैं, ओ सिंगल है, ओ हो उसके तो बड़े स्टैंडर्ड हैं, शादी नहीं कर रहा. तो हो सकता है भाई उस लड़की के भी कोई ड्रीम हो. तो ये जो इम्बैलेंस है ये तो खुद सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ है, जिसपे कोई बात ही नहीं कर रहा. वेमेन स्टीरियोटाइप क्यों है, तो इस पर तो बात करनी चाहिए, तो सोशल इशू है. तमाशा ने कैसे चेंज किया है आपको, और कोई नई चीज़ अपने बारे में डिस्कवर की, कोई नई चीज़ सीखी? मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि आई एम वेरी पेशेंट, जो कि मेरे घर वालों को नहीं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितनी पेशेंट हूँ. उनको अब पता चल रहा है उन्हें? हाँ, उनको शायद पता लगना चाहिए. और अगर अब भी नहीं पता चला तो मैं क्या ही कह सकती हूँ. घर की मुर्गी दाल बराबर यही कह सकती हूँ. तो उनको लगता था कि मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना सकती, क्योंकि मैंने कभी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया. तो मतलब जब अब निकली है तो कॉमेंट्स आ